सामाजिक संघर्ष न्यूज। वार्ड नंबर 39 के ग्राम पंचायत भवन पर मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए सशक्त नारी सशक्त प्रदेश को लेकर चितईपुर थाने से ब्रजेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में नारी को प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नारियों को क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है, मिशन शक्ति के तौर पर महिला साइबर सेल में पुलिस से कैसे संपर्क करें इस बारे में जागरूक किया गया। सभी महिलाओं को 1090 और 1076 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आपके पास 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचेगी और आपकी समस्या का निवारण करेगी। अगर मैं एक नंबर में और एक नंबर है 181 घरेलू हिंसा, बहुत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं। ये जिसको सुरक्षा करना चाहिए उसी से शिकार होती है, एक सार्वजनिक जा करके शिकायत नहीं कर सकती। ये नंबर गुप्त रखा जाता है, आपके पहचान गुप्त रखी जाएंगे। कोई महिला अगर घरेलू हिंसा का शिकार है आप उसका सहयोग करना चाहिए। इसमें कई आपके सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा है। जानकारी है आप लोगों को, जानते हो जो स्नातक स्तर तक, स्नातक मतलब जो ग्रेजुएशन तक आप लोग जाएंगे वहां तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा की गई है। उसके बाद 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए जो राज्य सरकार की जो योजना है उसमें महिलाओं को नौकरी में विशेष आरक्षण दिया जा रहा है। 20% जैसे आप लोगों के लिए सीटें आरक्षित की जा रही हैं। ये तो रखी जाती है, जांच हो गए आपकी शिकायत समाधान हो गए और पता नहीं बताई जाएगी, आप पुलिस आएगी पता बता देंगे, जाँच करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। जो किसी पारिवारिक मैटर होता है उस पर तरीके से ट्रीटमेंट उसका निकाला जाए, दोनों को लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कौन कौन किया, उन्होंने कैसे जानते हैं। पावर लाइन अगर कहीं कोई शिकायत करते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है किसी सरकारी विभाग।